फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू एवरी वन। तो होली जो है वो मिलजुल कर मनाने वाला त्यौहार होता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मैं अपनी दो फ्रेंड्स के साथ मिलकर कुछ अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। तो आपको आज देखने को मिलेगा झारखंड की फेमस रेसिपी दही वड़े के साथ, पर उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट डाला है मैंने, और साथ ही MP के करेले जो बहुत ही स्वादिष्ट और झटपट से बनने वाला स्नैक है, और साथ में आपको मिलने वाला है बिहार के ये पकोड़े जो कि होलिका में बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी फ्रॉम पल्लवीज हेल्थ बके। हैप्पी होली टू एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो असत्य पर सत्य की जीत, होली के पावन अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो ये जो सॉफ्ट से दही बड़े आप देख रहे हैं, इसमें मैंने ना ही कोई दाल भिगोया है और ना ही उसको पीसने की कोई झंझट है। बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई भी बना सकता है और कम टाइम में भी बन जाता है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि हमारे फ्रेंड्स लोगों ने कैसे कैसे बनाए हैं रेसिपीज। तो इसके लिए मैंने लिया है 4 ब्रेड के स्लाइसेस, जिसके साइड्स को हम कट कर लेंगे। और इनके साइड्स को आप फेंके नहीं, इससे कोई स्नैक बना ले या फिर ड्राई करके ब्रेड क्रम्स बना ले, पर अभी इसे साइड रख देंगे क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। तो अब मैं अपने ब्रेड के स्लाइसेस को ले लेती हूँ एक बोल में। इसके छोटे छोटे पीसेस तोड़कर हम बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें मैं ऐड करूँगी लगभग 1/2 कटोरी दूध। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और इसे मैश करके हमें एक वड़े के बैटर जैसा कंसिस्टेंसी वाला बनाना है। इसमें मैंने ऐड किए 2-3 ग्रीन चिलीज, थोड़े से अदरक के टुकड़े, 5-7 काजू और 8-10 किशमिश। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, बहुत कम, और इसमें अब थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करूंगी और सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा लेकर हम इसे एक वड़े का आकार दे देंगे। ये देखिए मैंने ऐसे पेड़े जैसा बनाकर बीच से होल कर दिया है। तो इस तरह से हम सारे वड़े अपने तैयार कर लेंगे। और इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम में हमें फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। आंच तेज ना करें वरना जल जाएंगे ये हमारे वड़े। इस बोल में मैंने लिया 1 चम्मच दही, 1 कटोरी पानी और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और इसमें हम वड़ों को डालकर 10 मिनट के लिए सोक कर देंगे। और आप चाहे तो इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं अगर मीठा खाते हैं तो, मैंने चीनी ऐड नहीं किया है। 10 मिनट तक इसे सोक करने के बाद ये देखिए साइज डबल हो गया है वड़े का और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, ये बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसे तैयार कर लेंगे, इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। प्लेट में मैंने सारे वड़े को निकाल लिया है, ऊपर से डाल रही हूँ दही। दही अगर गाढ़ी हो तो उसमें पानी की जगह दूध ऐड करें, जिससे आपके दही वड़े बहुत ही डिलीशियस लगेंगे। और इसमें अब मैं ऐड करूंगी इमली की मीठी चटनी। साथ ही इसमें थोड़ी सी ग्रीन चटनी ऐड करेंगे जो कि तीखी और खट्टी है, और ये भुने जीरे का पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा इसमें अब ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे, और इसमें अब थोड़ा सा मैं कलर देने के लिए अनार के दाने और धनिया के पत्ते से इसे गार्निश कर दूंगी। तो बताइएगा ये रेसिपी कैसी है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। होली के लिए स्पेशल डिश तो मैं मेरी फ्रेंड्स मिलकर। अब प्रीति जी आपने क्या बनाया है? होली की थाली, तो
जिसमें हमने अपनी अपनी डिशेस बनाई है और अपनी अपनी डिशेस से उस थाली को तैयार की है। तो फ्रेंड्स, मैंने होली की थाली के लिए बनाई हुई है अपनी यूपी की स्पेशल डिश, जिसे हम मैदे के करेले बोलते हैं। तो मैंने ये बनाई है, आई होप आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। ये 10 मिनट में ईजिली बन जाती है, इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपको मेरी डिश पसंद आई होगी, मेरे चैनल पे भी आई है, मेरे चैनल का नाम होगी किसी के और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना इतना सारा प्यार दीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। तो ये जो होली का पावन अवसर है ना, तो इसे हम लोग फैमिली और फ्रेंड के साथ हंसी खुशी के साथ मिलकर के मनाते हैं। कोई भी फेस्टिवल हो, होली दिवाली जो भी हो, तो हम लोग अपने परिवार और फैमिली के साथ बिल्कुल मिलकर के मनाते हैं। तो इस बार जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है MP बिहार झारखंड की बहुत ही जो ट्रेडिशनल जो रेसिपी होती है ना, तो हम लोग 3 लोग मिल करके इसको आपके सामने में ला रहे हैं। तो किसकी रेसिपी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। और ख़ास करके मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो जो है होलिका दहन में हम लोग क्या करते हैं, किस तरह की जो रेसिपी है। सबसे पहले हम लोग जो मनाते हैं होली, तो उस सबसे पहले हम लोग भगवान को वो चीज़ अर्पित करते हैं। और होलिका दहन में क्या करते हैं तो थोड़ा सा एक क्लिप मैं दिखाऊंगी। और मेरे साथ है प्रीति, मेरे साथ है पल्लवी हेल्थ बकेट। तो चलिए हम लोग मिल करके और एक रेसिपी आपके सामने दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे यहाँ एक दिन होली के पहले होलिका दहन होती है, तो उसमें 5 तरह के पकौड़े बनाए जाते हैं, जिसमें लौकी है, बैंगन है और हरे चने, देख रहे ना, इसका विशेष महत्व है। तो चलिए मैं 5 तरह के पकौड़े पहले बना लूँगी। होली के एक दिन पहले होलिका दहन मनाए जाते हैं, तो पहले मैं 5 तरह के पकौड़े बिना नमक के निकाल लूँगी। और इसमें मैंने लहसुन प्याज भी नहीं डाला है, क्योंकि ये होलिका दहन में हम लोग चढ़ाते हैं। और इसमें मैंने डाला है ये चावल के आटे, बेसन का घोल मैंने पहले से तैयार करके रखा है, लहसुन प्याज भी नहीं है। और ये भी भिंडी है, जो भी 5 तरह के कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, कोई भी सब्जी ले सकते हैं। और यहाँ पे आलू है, परवल है, भिंडी है और बैंगन है और हरे चने हैं। तो सबसे पहले बिना नमक का मैं 5 निकाल लेती हूँ, देखिए इस तरह से। और पल्लवी और प्रीति जो है वो होली के दिन बनने वाले जो विशेष जो रेसिपी होती है उसको आपके सामने दिखाने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, सिंपल सा मेरा 5 तरह का पकौड़ा बनकर के तैयार है। और होली के दिन बनने वाले सारी रेसिपी ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, तो एक बार लीनास किचन में मेरे प्लेलिस्ट में आप लोग बिल्कुल चेक कर ले। तो देखिए मेरे यहाँ पे पकौड़े बिल्कुल बन करके तैयार है। तो मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।